जापान के पीएम ने ये कहा था कि चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक में एक नाटो बनना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने भी इसे नकार दिया, भारत ने भी नकार दिया। पर अब बात हो रही है नाटो से भी खतरनाक चीज बनने की, जो चाइना की आधी जो टूटी हुई रीढ़ की हड्डी है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। जानेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आसियान में बैठकर चाइना ने ये सोचा था कि उसे इकोनॉमिक तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन ठीक इसके उलट यहाँ पर भारत, अमेरिका, फिलीपींस तीनों ही टूट पड़े चाइना के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत की डील ने अब अमेरिका को भी हैरान किया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि आसियान में कुछ और सोचकर बैठा था चाइना का प्रतिनिधि। चाइना की तरफ से उनके प्रधानमंत्री ली किकियांग पहुंचे थे और इन्होंने यहाँ पर बैठते ही ये कहा कि सुनो जी, आसियान के जितने देशों सब इकोनॉमिक तौर पर हम साथ मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, अच्छा अच्छा करके आगे बढ़ेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ली किकियांग ने ज्यादातर वो बातें कही जो चाइना के लिए जरूरी थी। चाइना की इकोनॉमी खस्ता हाल है, चाइना को मदद की जरूरत है, चाइना को बाजार की जरूरत है, इसलिए ली किकियांग ने यहाँ पर ये बातें कही। लेकिन यहाँ पर उसे क्या पता था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन देश टूट पड़ेंगे। हमने आपको कल बताया था कि किस तरीके से फिलीपींस नाराज हुआ था और मार्कोस ने कहा था कि क्या बात है, आप लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। फिलीपींस के बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी उन्हीं बातों को दोहराया है। पीएम मोदी ने यहाँ पर किन बातों को दोहराया है। पीएम मोदी ने कई सारी ऐसी बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आता हूँ, बुद्ध की धरती से आता हूँ, और मैंने पहले भी कहा है कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती हैं, पर यहाँ ग्लोबल साउथ में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो उसका। फिर इन्होंने कहा कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समंदर और आसमान ये किसी के बंदिश में नहीं रहने चाहिए, ये खुले होने चाहिए। इन्होंने तूफान यागी की भी बात करी। फिर इन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है उसको लेकर भी बात करी। एक पॉइंट और भी आया जहां इन्होंने म्यांमार को लेकर बात कही। दरअसल म्यांमार को काफी समय से आसियान के बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें न्योता नहीं दिया जा रहा है। भारत ने इस बात को कहा कि म्यांमार को अगर हम अलग थलग रखेंगे तो म्यांमार के सिचुएशन को हम हल नहीं कर पाएंगे। म्यांमार का सिचुएशन हल होने के लिए उसे अलग थलग नहीं रहना होगा, बल्कि हमारे साथ आना होगा, बैठना होगा। अब आसियान देशों ने यही कहा है कि जितनी जल्दी हो म्यांमार में शांति आनी चाहिए, वगैरह वगैरह। पर यहाँ पर एक तीसरा देश अमेरिका भी था, वो भी टूट पड़ा चाइना के ऊपर ही। ब्लिंकन ने इस बात को कहा कि साउथ चाइना सी में जो चल रहा है ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, साउथ चाइना सी की समस्या को देखा जाना चाहिए, हल करना चाहिए। तीन देश एक साइड होकर खड़े हो गए। अब चाइना के जो पीएम आए हुए थे वो बेचारे ये सोच रहे थे कि एक समय था आसियान में दबदबा था। इस आसियान मीटिंग में ना दो चीज देखने को मिली। पहली बात तो ये देखने को मिली कि जिनपिंग आसियान में नहीं पहुंचे। दूसरी चीज ये देखने को मिली कि जो बाइडेन भी यहाँ नहीं पहुंचे। यहाँ पर पहुंचे थे ब्लिंकन पहुंचे थे, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ना इस वक्त बहुत जरूरी था एक बहुत मजबूत चेहरा। आसियान की इस मीटिंग में एक बेहद मजबूत चेहरे के रूप में पीएम मोदी बैठे हुए थे। यहाँ पर इन्होंने 10 पॉइंट का प्लान भी सामने रखा आसियान देशों के सामने, जो आसियान के बाकी सदस्य को बहुत अच्छा लगा। ये होती है लीडरशिप दिखाने की चीजें। जैसे कि इन्होंने पहला पॉइंट रखा कि देखो 2025 को हम आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के अनुसार सेलिब्रेट करेंगे और 5 मिलियन के जॉइंट एक्टिविटीज करेंगे,
ऐसी एक्टिविटी जो आर्थिक तौर पर एक दूसरे की मदद करे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम कई तरह के फेस्टिवल शुरू कर सकते हैं, म्यूजिकल फेस्टिवल शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा इन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं साइंटिस्ट, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वैज्ञानिकों के समूह को और सेलिब्रेट कर सकते हैं इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दिखाई है और ये आसियान को जोड़ने की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी एक वर्कशॉप आयोजित करने की बात कही। ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, इस सारे चीज़ के बाद ये देखने को मिल रहा है कि चाइना यहाँ बुरी तरीके से अलग थलग हो गया। अगर आसियान की मीटिंग में सफलता मिली है तो चाइना के विरोधी दलों को मिली। तीनों के तीनों यहाँ प्रखर रूप से चाइना के विरोध में ही बोले और भारत ने यहाँ पर लीड किया इस आसियान की मीटिंग को। पर चाइना के लिए ना मुसीबतें अभी और भी रखी हुई है। स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें, ये कौन है? ये जापान में अमेरिका के राजदूत हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है एक बहुत बड़ी बात और ऐसा लगता है जैसे ये भारत के कदम पर चल रहे हैं। यूएस एम्बेसडर ने कहा कि जापान ने नाटो बनाने की बात कही, लेकिन नाटो नहीं, इकोनॉमिक नाटो बनाओ, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक ऐसा संगठन बनाओ जिसमें इस क्षेत्र के सारे देश शामिल हों और क्षेत्रीय देश इनके साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप ना करें। इकोनॉमी को झटका मिलेगा तो इनको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको इकोनॉमिक तौर पर अकेला छोड़ दो, इस तरीके का काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि रीजनल जो देश हैं उन देशों को एक साथ आना होगा, चाइना के कर्ज जाल में फंसना नहीं होगा और एक अलग तरह का नाटो बनाना होगा जो खास तौर पर इकोनॉमिक नाटो हो। अब इकोनॉमिक नाटो अगर बनता है तो आसियान देश में बैठकर ली किकियांग ने जो बातें कही थी वो ठीक उसके उलट जा रहा है। इसलिए भी मैंने कहा था कि चाइना के दिन पूरे हो चुके हैं। चाइना का जो बेस है ना वो बेस ही कमजोर हो चुका है। आप जरा सोचिए, चाइना पैकेज पे पैकेज डाल रहा है और अमेरिका के मन में क्या चल रहा है कि नाटो तो बनाना है लेकिन आर्थिक नाटो बनाना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत इस समय काफी करीब दिख रहे हैं और इस बीच फ्रांस ने भारत को 110 केन का इंजन बनाने का और इंजन के साथ साथ पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात को भी एक बार फिर से सामने रख दिया है और ये भारत के लिए माना जा रहा है बहुत ही ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। तेजस इंजन की डील अभी तक फाइनल भी नहीं हो पाई है और तेजस इंजन कब तक मिलेगा ये कहना भी मुश्किल है। संभवतः इसका डिले हमारे तेजस इंजन के डिले को बढ़ा सकता है। हालांकि फ्रांस जो ऑफर कर रहा है वो तेजस के लिए नहीं है, एमका के लिए है, लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी एक बार मिल जाएगी तो ये जो देशों का अलग अलग चक्कर लगाना पड़ता है वो वाला सीन तो नहीं होगा ना। और उसके बाद अपने वैज्ञानिक इसे काफ़ी तेजी से आगे भी ले जाएंगे, ये हमने चंद्रयान वगैरह में भी देख लिया है। तो बस एक शुरुआत भर की बात है। अगर शुरुआती एक बढ़िया इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है तो फिर अपग्रेड करवाना और भी बेहतरीन बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।